जैसा कि देख रहे हैं रिनॉल्ट की क्विड है, 2016 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका एसी जब हम चालू कर रहे हैं तो कूलिंग नहीं हो रहा था। कूलिंग क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहर से एक पाइप लीकेज हो गया है और सिस्टम में गैस बहुत कम गैस है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लगा के रखा है हाई वाला और लो वाला, और गैस देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल लो गैस है। तो लीकेज कहाँ से हुआ, ये वाली पाइप जो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं पूरा गीला हो गया ऑयल से, ये वाली पाइप लीकेज हो चुका है, यानी सक्शन वाली पाइप जो ये देख पा रहे हैं लीकेज हो गया, इसकी वजह से गैस निकल गया है और इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही। मैं नया पाइप मंगाया हूँ इसका, ये भी नया पाइप सक्शन पाइप, क्विड सक्शन पाइप है। चलो अब हम इसको फिटिंग करते हैं। ये जूनी पाइप जो कि मैं निकाल चुका हूँ, निकाल दिया हूँ, और ये रही नई पाइप। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से लीक हो चुका था, देख रहे हैं थोड़ा गीला हो चुका था जिसमें से गैस निकल जाता था। चलो अब नया वाला फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके देखते हैं। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं पाइप फिट कर चुका हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं, और मैं इसमें नो वाला प्रेशर में लगा के रखा हूँ, और आप देख पा रहे हैं मैं इनका प्रेशर मार के रखा हूँ, 300 बराबर 300 पे रखा हूँ। और नाइट्रोजन का सिलेंडर ये रहा, और देख पा रहे हैं टाइमिंग कितना हो रहा है, 15:37 में, आधा घंटा कुछ रखेंगे हम, उसके बाद फिर चेक करेंगे प्रेशर होल्ड है क्या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15:56 हो गया, लेकिन अपना प्रेशर जितना मारा था उतना ही है। तो चलो हम प्रेशर छोड़ देते हैं इसको। वैक्यूम में लगा देते हैं, दस मिनट के लिए रखा हूं, गैस है इसकी। 10 मिनट बाद फिर हम मिलते हैं। आप देख पा रहे हैं वैक्यूम अपना कंप्लीट हो गया, अब हम इसका गैस मारते हैं। गैस 250 ग्राम मारूंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गैस फिल हो चुका है। अब हम इसमें अंदर जाएंगे, गाड़ी चालू करेंगे, गाड़ी चालू करके एसी चालू करेंगे। चलो फिर अंदर जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं, और गाड़ी अभी अपना चालू है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एसी अभी चालू है, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 8.9 डिग्री, 8.6 पे आ चुका है। इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, और ये रही आउटसाइड का एयर, आउटसाइड का एयर इसका जाम रहता है, इसको रिपेयर कर देंगे। और ये रही हीटर का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटर हाई पे किया हूँ, रीडिंग टेम्परेचर देख रहे हैं बढ़ रहा है 9.9 पे, देखते हैं कितना तक जा रहा है हीटिंग टेम्परेचर। जैसा कि देख पा रहे हैं 32-33 तक पहुंच रहा है, यानी ऊपर और भी जाएगा, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज।